कोई ज्यादती नहीं की उन्होंने मेरे साथ, हाथ तक नहीं लगाया किसी ने, कोई बदतमीजी कुछ नहीं। नहीं जानती कि उन्होंने मुझे शादी की क्यों अगवा किया, मुझे कहां ले गए, क्या मकसद था इसके पीछे, मैं कुछ नहीं जानती। नहीं जानती कि मुझे अगवा करने का क्या मकसद। यकीन ऐसा कैसे हो सकता है कि दो दिन तुम उनकी तहवील में रही और उन्होंने तुम्हें छुआ भी नहीं। आपको मेरी बात पर एतबार नहीं है? मैं यकीन कर भी लूं तो दुनिया अगवाशुदा लड़की की पाकदामनी पे कैसे यकीन करेगी? पता नहीं कौन लोग थे, क्या चाहते थे, क्या मकसद था उनका। मैं नहीं चाहती कौन लोग थे वो, कुछ नहीं चाहती। मैंने उनसे बार बार सवाल किए, बार बार पूछती रही, लेकिन किसी के पास मेरे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। अभी मैं कैसे यकीन दिलाऊं, क्या करूं? सुल्तान को क्या कहूंगी? मुझे यकीन है सुल्तान उन्हें ढूंढ निकालेगा, उस बहुत ऊपर तक पहुंचे, वो उसको ढूंढ निकालेगा, वो उनको कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। आप मुझे बताएं, आपकी सुल्तान से बात हुई? आपने उसे बताया होगा ना कि मैं वापस आ गई? क्या क्या कहा उसने? बताया था, लेकिन मुझसे मिलने क्यों नहीं आया वो? मेरा फोन शायद गिर गया होगा। मुझे आप अपना फोन देंगे, मैं उसको फोन करके बताऊंगी, मैं उसे कहूंगी मेरे पास आए मुझसे मिले। किस लिए कॉल करोगे उसको? वो परेशान हो रहा होगा ना, वो आएगा मेरे पास आके मुझसे मिलेगा। मैं उसे कहूंगी कि इसी हफ्ते में हम निकाह कर लेते, सादगी से कर लेते, किसी धूमधाम की जरूरत नहीं है। भूल जाओ उसे, वो तुम्हारा नहीं रहा। ये क्या कह रहे हैं आप ही? हम मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, शादी करने वाले हैं, और आपके लिए मैं भूल जाऊं उसको? एक इज्जतदार अमीर ज्यादा एक अगवाशुदा लड़की से क्यों शादी करेगा? कि कोई बात हुई है उससे? उसने कुछ कहा है आपको? हाँ कहा है। उसे लगता है कि तुम अपनी मर्जी से गई थी। वो समझता है कि तुम एक बदकिरदार लड़की हो। कता तालुकी का इजहार किया है उसने। झूठ कह रही हैं आप, झूठ कह रही हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो और मर्दों की तरह नहीं है आप ही, वो मुझे छोड़ ही नहीं सकता, वो ऐसा है ही नहीं, वो बहुत तो क्या हो सकता है ये तुम नहीं जानती नगीन? तुम में लोगों को परखने की सलाहियत है ही नहीं। उसने मेरी खातिर अपने पूरे खानदान से टक्कर ली है, वो मुझसे शादी करना चाहता है। आप देखिएगा, मैं उसे एक फोन करूंगी, वो मेरी एक आवाज में दौड़ता हुआ आएगा। आप देखिएगा, वो यहाँ आएगा अभी इसी हफ्ते, मुझसे निकाह करके यहाँ से लेके जाएगा। फोन कहाँ आपका? फोन कहाँ है आपका? नहीं उठा रहा ना फोन, मैंने कहा था नहीं उठाएगा। भूल जाओ उसे नगीन, भूल जाओ। वो बिजी हो सकता है ना अभी, दो सेकंड दे, अभी उठाएगा। किसको धोखा दे रही हो नगीन? ये देख, मेरा ऐसे क्या कहा था? वो फोन करेगा मुझे, वो बिजी हो सकता है। हेलो सुल्तान, आप कहाँ थे? मैं कब से आपको, कितनी बार आपसे कहा है कि मुझे कॉल मत किया करें? मेरा आपसे या आपकी बदकिरदार बहन से अब कोई ताल्लुक नहीं है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आप ये चाहती हैं कि मैं आपकी बहन को अपना लूं, उसे अपना नाम दूं।
क्या कोई शरीफ आदमी किसी ऐसी लड़की से शादी करेगा जो अपनी शादी वाली रात किसी और के साथ भाग गई हो? मैं किसी गरीब लड़की को अपना लूंगा, लेकिन किसी बद किरदार लड़की से शादी कभी नहीं करूंगा। सुन लिया आपने? सुल्तान, मैं नगीन बात कर रही हूँ। कौन नगीन? मैं किसी नगीन को नहीं जानता हूँ। सुल्तान प्लीज फोन मत रखिएगा, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे सिर्फ 5 मिनट बात करनी है। मुझे बात करनी है, मुझे आपसे बात करनी प्लीज। क्या बात करनी है आपको? मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको नहीं जानता हूँ। सुल्तान मेरा यकीन करें, मैं नहीं भागी थी, मुझे अगवा कर लिया था। मेरा दामन बिल्कुल पाक है। आप कहेंगे मैं कुरान पे हाथ रखकर कसम खानी नहीं तैयार हूँ, प्लीज मेरा यकीन करें सुल्तान। आप ही मैंने आपसे कहा कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अपनी बहन को फोन दें आप। बोलो। अपनी बहन को समझा दो कि मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश ना करे। जिसके साथ शादी वाली रात भाग गई थी ना, अब जाए उसी के पास। बकवास बंद करो। किस कदर घटिया खानदान से तुम्हारा ताल्लुक है, जिन्होंने तुम्हें यह भी नहीं बताया कि औरत के बारे में कैसे बात करते हैं। घटिया खानदान से ताल्लुक मेरा नहीं बल्कि तुम लोगों का है। तुम्हारी बहन बद किरदार है, मुझे कॉल मत करना आइंदा। पहले था चुराया जो घर था फिर बनाया, जो दिल वही क्यों तोड़ भी दिया है। दर्द ये उठाया जो मुश्किलों से पाया, जो फिर उसी को छोड़ भी दिया। को संभालो न की तुम्हारा कभी था ही नहीं। जो तुम्हारे रंगीन अब्बा ने तो साफ इनकार कर दिया उसे अपने पास रखने से। अरे तो ऐसे बाप से तवक्को क्या की जा सकती है, उसका तो खून ही सफेद हो गया है। जिस बाप ने सारी जिंदगी पूछा ही नहीं, इतना सब कुछ होने के बाद कैसे रखेगा? अरे तो ना रखे भाई, यहाँ रखना भी तो मुनासिब नहीं उसे। क्यों क्यों रहना मुनासिब नहीं बताएं जी? कैसी बातें कर रही हो तुम है? इतनी बदनामी और जिल्लत के बाद अब भी तुम कह सकती हो कि यहाँ रख सकते? भैया गलती हमारी थी जो जवान लड़की की जिम्मेदारी ले ली। अरे हमें क्या पता था कि हमारे सर में ही खाक धूल झोंकेगी। भाई मैं ये तंग आ गया हूँ रोज रोज के तमाशों से, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सारा मोहल्ला बातें कर रहा है, 2 टके की इज्जत होके रह गई मेरी। अब क्या करूं, पानी पीऊं या धूप भरूं इसी ग्लास में? मेरा तो ख्याल है कि इस शहर से कहीं और चले जाते हैं, जहां हमें लोगों की बातों का सामना न करना पड़े। 2 जोड़े में कोई अच्छा रिश्ता देख के भेज दो इसे बस। माँ भी उससे शादी का जिक्र मत करना, वो बहुत तकलीफ में है। वो जिस हादसे से गुजरी है उसे तो शायद भूल जाए, लेकिन सुल्तान, सुल्तान ने उसे जो तकलीफ दी उसे सारी जिंदगी नहीं भूलेगी। एक बात बता दूँ, मर्द उस औरत को कभी कबूल नहीं करता जिसका दामन दागदार हो। अच्छा कहती क्या है, कुछ मुंह से फूटा भी है उसने, कौन लोग थे? क्या कहती, क्या है उसके पास कहने को? अरे भाई कुछ तो कहा होगा, कुछ तो बताया होगा कौन लोग थे, क्या कर रहे थे, उसके साथ क्या क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया उन्होंने उसके साथ, वो वैसी ही पाक साफ है जैसी थी। अच्छा तो ये तो नगीन ने बताया होगा ना तुम्हें, तो जो चोरी करेगा वो कैसे मानेगा कि उसने चोरी की है? तेरी बहन झूठ नहीं बोलती, उसने कोई गुनाह नहीं किया। अच्छा तुम्हारी बहन झूठ नहीं बोलती, अरे किसे बेवकूफ बना रही है, है? 2 रातों से घर से बाहर थी और कमाल है बोल रही है कि किसी ने हाथ नहीं लगाया। भैया अजीब ही बात की है तुम्हारी बहन ने, कोई अगवा करके ले जाए
दो रातें भी गुजार ले, हाथ भी ना लगाए और बिला वजह दोबारा घर के सामने फेंक जाए। ये तुम्हारी बहन कैसी बातें कर रही है, किसे बेवकूफ बना रही है? सच सच पूछो उससे, किसके साथ भाग के गई थी? नहीं भागी थी मैं किसी के साथ, उन्होंने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, छुआ तक नहीं। हम लोगों को किस तरीके से यकीन दिलाऊं मैं? मेरे दामन पर कोई दाग नहीं है, मैं कुछ पागल हूं जो अपनी शादी के दिन भाग जाऊंगी? वो भी सुल्तान जैसे शख्स को? अरे बंद करो, ये मेरा सुल्तान और नाम भी मत लेना उसका, तुम्हें देखने का रवादार तक नहीं है। वो नाराज है मुझसे इस वक्त, मैं उसे मनाऊंगी वो मान जाएगा, लेकिन कम से कम आप लोग तो मेरा यकीन करें, मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। मैं नहीं जानती कि वो लोग मुझे मेरी शादी की रात क्यों उठा के ले गए, लेकिन उन्होंने मेरे से कुछ गलत नहीं किया, कुछ बुरा नहीं किया। लूडो खेलते रहे होंगे। अरे भाई तुम्हारे कहने से होता क्या है? एक बात याद रख लो बीबी, औरत के दामन पे गंदी छींट लग गई तो दाग कभी नहीं जाता। लाउडस्पीकर ले लेके ऐलान करो मोहल्ले में, कोई यकीन नहीं करेगा तुम्हारी बात का। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं मोहल्ले वालों को बताऊं या उन्हें यकीन दिलाऊं, मुझे किसी से कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं, जैसे मैं गई थी मैं बिल्कुल वैसी। और जहां तक बात है सुल्तान की, तो मैं उसके पास जाऊंगी और उसे यकीन दिलाऊंगी अपनी पारसाई का। अरे फिर वही सुल्तान? एक बात सुन लो मेरी, कान खोल के, अगर तुम दरवाजे से बाहर निकली ना मैं टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। मैं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी सुल्तान के पास, उसको जाके बताऊंगी कि जो कुछ भी हुआ उसके अंदर मेरी कोई गलती नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं। मैं उसे कहूंगी यहाँ आए, मुझसे निकाह करे और मुझे ले जाए। मुझे नहीं रहना ऐसे लोगों के साथ जो मेरा यकीन ही ना करते हो। मैं देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। अरे देख रही हो? अरे वो तो जा रही है, मना कर रहा हूँ, निकल गई तेजगाम, तुम देख रही हो? मैडम मेरी बात सुने, मैडम ऐसे आप अंदर नहीं जा सकती, मेरी बात आपसे बात करनी है सुल्तान। मैडम आप प्लीज बाहर हैं। ठीक है तुम जाओ, सुन लेता हूँ उसने क्या बात करनी है। आप मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हैं सुल्तान? आप मुझसे बात क्यों? मैं तुम्हें अपना जवाब सुना चुका हूँ, क्यों आई हो यहाँ? कम से कम मुझे मेरा कसूर तो बता। अगर तुम मुझे मनाने आई हो तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि तुम अपना टाइम जाया कर रही हो, कोई और बात करनी है? ठीक है, आपको शक है ना मुझ पे? आप मुझसे सवाल करें, मैं आपको जवाब दूंगी, आप मुझसे पूछें, लेकिन यूं मुंह ना फेरें। आप जानते हैं आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। तुम्हारी किसी बात का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, बोलती जाओ। मैं अपनी सफाई देने आई और अपनी सफाई दिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगी। आपको याद है आप ही ने मुझे कहा था कि आप मुझे पिक करने आएंगे। मैं आपकी गाड़ी समझकर उस गाड़ी में जाकर बैठ गई गलती से। मुझे अखवा किया गया था सुल्तान, क्यों ये नहीं जानती मैं। बस इतना जानती हूँ कि मैं पाक दामन हूँ। उन लोगों ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया सुल्तान, मेरा यकीन कर। जानता हूं मैं, क्या जानते हैं? यही कि तुम जैसी गई थी वैसी वापस आ गई हो, उन लोगों ने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया, तुम आज भी पाक दामन ही हो।
बहुत ही बददमाग लड़की है ये, इतनी आसानी से राज नहीं उगलेगी, इसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुजद्दद रानी की इज्जत उछाली है इसने पूरी दुनिया में। वो एक बहुत शरीफ और बहुत नेक घराने की लड़की है, उसे तो पता ही नहीं है कुछ। तुम तो यही कहोगे ना, आखिर इश्क का भूत जो सवार है तुम पर। तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए पता, कि मैंने तुम्हारी इज्जत पे आज तक नहीं आने दी। काम हो गया बॉस। अब एक बात का ख्याल रखना, अगर उसे किसी ने हाथ भी लगाया तो उसके हाथ काट डालूंगा। इसका मतलब मुझे अखबार तुम पे। हाँ, वो नाचीज मैं ही था। इसे कहते हैं सूद समेत वापस लौट आना। और जो कुछ हुआ उसके लिए माजरत करने के लिए आई हूं। मुझे प्लीज इस सारे मामले से दूर रखिए, मैं एक इज्जतदार घर से ताल्लुक रखती हूं। आपके आगे हाथ जोड़ती हूं, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। तुम्हें क्या लगता है नगीन, तुम्हारे इस एक लफ्ज के कह देने से मेरी खोई हुई इज्जत और मेरा वकार मुझे वापस मिल जाएगा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें अपनी गलती का खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें इस दुनिया के सामने इबरत का निशान बना दूंगा। मगर क्यों? मेरी इज्जत। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारी इज्जत। तुम जैसी मामूली लड़की की भी कोई इज्जत होती है क्या? और तुम में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे भाई कि तुम सारी दुनिया के सामने मेरे ऊपर तमाचा मारोगी और मैं तुमसे शादी करूंगा? पागल हो गई हो क्या? सुल्तान दुर्रानी नाम है मेरा। अपने खानदान वालों से लड़कर झगड़कर मैं तुम्हें अपनाना चाहता था, तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन तुमने क्या किया मेरे साथ? सारी दुनिया के सामने मेरे मुंह पर तमाचा मारा। मेरी इज्जत दो कौड़ी की कर दी तुमने, मुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी तुम मुझसे बदला लेने के लिए इस हद तक गिर जाओगे। तुम जैसा घटिया शख्स मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। चिल्ला मत।
ये मेरा ऑफिस है, तुम्हारा बस स्टेशन नहीं है जहां तुम चिल्लाओगी और लोग जमा हो जाएंगे। यहां मेरी एक आवाज पर मेरे गार्ड्स तुम्हें यहां से उठा के बाहर फेंक देंगे। तुम इस रिंग को पहनने के लायक ही नहीं हो। यू नो व्हाट, तुम जैसी लड़कियां सिर्फ टाइम पास करने के लायक होती हैं, लेकिन मैं अब तुम्हें इस लायक भी नहीं समझता। एक बार ये गलती करके तुम इसका खुमियाजा भुगत चुकी हो। जिंदगी में कभी दोबारा अगर तुमने ये गलती दोहराई तो तुमसे तुम्हारी सांसें छीन लूंगा मैं। चलो निकलो यहां से। इसे कहते हैं सूद समेत वापस लौट आना। रुला दिया तू ही बता ये कैसी है दीवानगी। तुम इस रिंग को पहनने के लायक ही नहीं हो। यू नो व्हाट, तुम जैसी लड़कियां सिर्फ टाइम पास करने के लायक होती हैं, एक बार ये गलती करके तुम इसका खुमियाजा भुगत चुके हो। जिंदगी में कभी दोबारा अगर तुमने ये गलती दोहराई तुमसे तुम्हारी सांसें छीन लूंगा मैं। न रूह थी जिस्म में न आंख में, ख्वाब थे जो मर चुका है उसे कमर दे। तेरी वफा मतलबी नजर मिला कर मुझे तू अपने गर्ज के जुए में हार दे। जला के दिल बुझा दिया से गया। सच कह रहा है तू? जी सर, जलीलो ख्वार होते हुए उसको पूरे ऑफिस ने देखा। वाह, दिल खुश कर दिया है, तुझे इसका इनाम मिलेगा। जी, आज तूने साबित कर दिया है कि तेरी रगों में दुरानियों का खून है।
सुल्तान, आई एम प्राउड ऑफ यू। इतला मिल गई है आपको? मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। जब तक तुझे गले लगाकर मुबारकबाद नहीं देता, मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। वाह, उस दो टके की लड़की को क्या सबक सिखाया तूने, वाह। बहुत जरूरी था चाचा जान, कोई मेरी इज्जत को सारे बाजार रोंद कर चला गया, तमाशा बनकर रह गया मैं। अब वो लड़की सारी जिंदगी तमाशा बनकर रहेगी। हाँ, अरे जल्दी आना घर, लेट्स सेलिब्रेट इट। आजा आजा। क्या हुआ, क्या कहा सुल्तान ने तुमसे, क्या हुआ वहां, मुझे कुछ बता क्यों नहीं रही हो तुम? बोलो नगीन, क्या हुआ? क्या हुआ, मुझे पूरी बात बता। क्या वो बीजा नहीं अकेली क्यों बैठी है? वहाँ सब पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, आप आए ना। क्या बात है बीजा ना, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? मैं कल से नोटिस कर रहा हूँ आप मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रही हैं। मेरी कोई बात बुरी लगी है आपको? कोई अपनी बर्बादी का जश्न नहीं मनाता सुल्तान। मैं समझी थी कि नगीन को अगवा नरमीन ने करवाया है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ। उसके साथ जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार वो खुद है। बीजा ना आप छोड़े ना, आप सब ठीक है, आइए पार्टी एंजॉय करते हैं, आइए प्लीज। तो फिर तुम खुश क्यों नहीं नजर आ रहे? जी नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुश क्यों नहीं लगूंगा आपको? अब मैं डांस तो करने से रहा। खुशी की वजाहत नहीं दी जाती, वो तो आंखों से आया होती है।
नगीन की हालत पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब है। रो रो के बुरा हाल कर लिया उसने। ना कुछ खा रही है, ना कुछ पी रही है, ना किसी से बात कर रही है। उसको किसी नफ्सियाती डॉक्टर के पास ले जाएं। अरे तुम अपने दिमाग का पता कराओ। जब मर मर के बिरयानी में से एक आलू निकला है, खाने के लाले पड़े हुए हैं और तुम्हें खर्चों की सूझ रही है, कुछ अंदाजा है तुम्हें ये नफ्सियाती डॉक्टरों की फीसें कितनी होती हैं? अरे तुम बहनों उसकी समझाओ से, जो होना था वो हो गया, जो सुल्तान ने उसे धोखा देना था दे दिया, भूल जाए। अरे अनवर तो आज भी उससे शादी करने के लिए तैयार है। अम्मा आई थी उसकी आज मुझसे रिश्ता मांगने। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं? मेरी बहन अभी इतने सदमे में है, ऊपर से अनवर एक नंबर का छठा हुआ बदमाश। अरे नगीन को बहुत चाहता है वो, और आज तक बैठा हुआ इंतजार में उससे शादी करने के लिए। और तुम्हारी बहन को तो खुश होना चाहिए कि इतनी बदनामी के बावजूद वो उससे शादी करने को तैयार है। नखरे काहे के हैं भाई? खुदा के लिए जुल्म मत करें, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये जज्बात का इजहार ना बाद में करना, क्या बर्बाद हो जाएगी उसकी जिंदगी की बर्बादी में उसके अलावा और किसका हाथ है भाई? हमने क्या किया है? कुछ किया हमने? दुआएं दी, भलाई चाह रहे थे। किस हकीम ने कहा था उसे कि उस अमीरजादे से चक्कर चलाए? टके के होके रह गए हम। ये आलू एक बिरयानी में, वो भी कच्चा। अरे शुक्र कर आलू वाली बिरयानी भी मिल रही है कमबख्त, ये भी ना मिलती। काले मरले प्याज खा रहा हूँ अम्मा। प्याज खाते चले, प्याज खाने वाली क्या खाना सही से? ये क्या हो रहा है, कहाँ जा रही हो तुम? सुल्तान की दादी से मिलने, उन्हें बताने कि उनके पोते ने मेरे साथ क्या किया। सबको बताऊंगी उसके बारे में, जरूरत पड़ी तो FIR भी करूंगी। नगीन मेरी बात सुनो, इतने बड़े आदमी से टक्कर लोगी? पहले उसने तुम्हारे साथ कम किया, जो अब एक नया तमाशा खड़ा करने जा रही हो। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। नगीन अगर तुम्हें मेरी जरा सी भी परवाह है सुल्तान, तो अभी जाओ और उस लड़की से माफी मांगो, वरना समझो कि हमेशा के लिए मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मेरी सूरत को तरस जाओगे तुम। एक गैर लड़की के लिए आप मुझे छोड़ के जाएंगी? वो लड़की जिसके बारे में आप कुछ जानती तक नहीं है, इतनी अहम कब से हो गई वो आपके लिए? अहम तो अब भी तुम ही हो बेटा, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा पोता मेरे सामने इतना बड़ा गुनाह करे और मैं उसे सीधी राह भी ना दिखा सकूं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा सुल्तान, अभी भी वक्त है, अपना लो उसको। एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए तुमने उस लड़की की सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। उस मासूम लड़की को शादी का झांसा देकर अगवा कराकर तुम समझते हो कि तुमने अपनी मर्दानगी का सबूत दिया है? यह है तुम्हारी मर्दानगी? इतनी नीच और घटिया हरकत करते हुए तुमने एक दफा भी अपने मर्तबे, अपने खानदान के नाम के बारे में नहीं सोचा? मैंने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया अभी जान, अपने किए पे मुझे कोई रंज या मलाल नहीं है। तो तुम माफी नहीं मांगोगे? नहीं मांगूंगा। खुदा की लाठी बे आवाज होती है सुल्तान, डरो उसके कहर और गजब से। मैंने कुछ गलत नहीं किया बीजान, ये नगीन को सोचना चाहिए था। कितना प्यार किया मैंने उससे, पागलों की तरह उसकी एक झलक देखने के लिए बसों में सफर करता रहा, और उसने क्या किया मेरे साथ? सारे शहर में मेरी इज्जत का तमाशा बना दिया उसने, मेरी मोहब्बत, मेरे जज्बात सब मिट्टी में मिला दिए उसने। आपको अब भी उस लड़की की फिक्र हो रही है ज्यादा? कभी आपने सोचा कि मैंने क्या क्या खोया? जिससे पहली मोहब्बत की उसको तो खोया ही मैंने, साथ साथ अपना मकाम, अपना रुतबा सब खो दिया इस शहर में। आपको कभी लगता है कि मैं जिंदगी में मोहब्बत कर सकूंगा? बोले आपको उस लड़की की ज्यादा फिक्र है जिसने आपके पोते की जिंदगी को बर्बाद कर दिया बीजा।
तो अभी जा, मैं इतना बुरा नहीं हूं, मैं इतना बुरा नहीं था। उसने बहुत बुरा किया है मेरे साथ। अब मैंने जो कुछ भी किया, मैंने जवाब दिया है उसे। और अगर किसी को लगता है ना कि यह गलत है, तो फिर गलत ही सही। सुल्तान,